अनेक बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ वर्ण विचार पढ़ा था, आइए आज उससे संबंधित अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बच्चों, ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर पृष्ठ संख्या 16 पर है। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया हुआ है वर्ण डैश की सबसे छोटी इकाई है। हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, भाषा। डैश को चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, अनुस्वार को, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुस्वार। तीसरा है दो समान व्यंजन जब एक साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तो वे द्वित्व कहलाते हैं। फिर से देख लें, दो समान व्यंजन जब एक साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। चौथा है डैश व्यंजन 4 है। कौन से व्यंजन 4 प्रकार के हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्र, तो संयुक्त व्यंजन 4 है। तीसरा प्रश्न है दिए गए संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाइए, उदाहरण के लिए तो हमको च और छ का जो मिला हुआ रूप है उससे बनाना है, तो हमने 3 शब्द बना लिए, अच्छा, गुच्छा और मच्छर। इसी प्रकार द और य का जोड़ है, तो विद्यालय, पद्य, विद्या। यहाँ से देखो सत्य, असत्य, त्याग, यहाँ से प्यास, प्यार और प्याला। चौथा प्रश्न है दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है, सही रूप में उसको लिखना है लगाते हुए। ये आपके सामने दिया हुआ है आंगन में चंद्र बिंदु लगता है, यहाँ बंदर में ब के ऊपर बिंदी छूटी हुई है यानी कि अनुस्वार छूटा हुआ है, बंदर, सुंदर, आंख, चांद, पांच, कंघा और बंदूक। आप इसे देख के ध्यान से कर ले। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। सबसे पहले शब्द है बच्चा, तो इसको कैसे तोड़ते हैं, ब, जब हमने इसमें से अ निकाला तो यहाँ लग गया हलंत, है ना, ब जोड़ अ जोड़, ये आधा छ पहले ही से है इसलिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसके बाद हमने अ नहीं लिखा, हलंत यहाँ इसका आधा होना और इसका हलंत लगना हमें यही दर्शाता है कि यहाँ पे कोई भी अ इस वर्ण जो है इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर से हमने च से अलग किया आ को, तो यहाँ लग गया हलंत, ये आपका हो गया। विद्यालय को भी आप इसी तरीके से तोड़ लेंगे, तितली और सूरज, इन चारों शब्द को आप ध्यान से देख के समझें और करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है इनमें कौन सी आगत ध्वनि नहीं है। तो बच्चों आगत ध्वनि का क्या अर्थ है, जो हमारी भाषा में नहीं थे उसे हमने दूसरी भाषाओं से लिया है। तो हम देख रहे हैं कि अ जो है वो हमारे हिंदी वर्ण में है ना, आ नहीं है, ज नहीं है और फ नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अ। दूसरा है कि आपको इन सब को जोड़कर सही शब्द बताना है ना, इसमें से कौन सा है आपको चुनना है, बताइए इसमें से कौन सा शब्द सही है। तो हमने देखा कि च में मिल गया अ तो ये बन गया च। उसी प्रकार से जब क है उसमें अ नहीं है, यहाँ पर र का मात्रा है ना, तो ये कहाँ यूज हो रहा है वो आपको देखना है, और फिर इसमें जुड़ा हुआ है अ, है ना, तो यानी कि ये तो बन गया आपका च और ये जो है आपका वो बन गया क्र, है ना, अभी जुड़ा हुआ है और र का भी है यहाँ पर नीचे वाली मात्रा, ये आपका सही रूप क्या होगा, आपका सही रूप है अंतिम वाला चक्र। अगला देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन से बना शब्द है। संयुक्त व्यंजन आपको याद है बेटा, हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ उस किस शब्द में उसका प्रयोग किया हुआ है। देखिए त्याग में है नहीं, दीक्षा में छ दिख रहा है, सच्चा में भी उस नहीं है वर्ण, संयुक्त व्यंजन नहीं है छ, त्र, ज्ञ, श्र में से, और ना ही कि पक्का में है, तो हमको सिर्फ एक ही शब्द मिला जिसमें कि संयुक्त व्यंजन छ है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दीक्षा। किस शब्द में री स्वर का मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया है, हमने पीछे पढ़ा था पाठ में
री मात्रा का उपयोग री के रूप में होता है ना। तो यहाँ पे देखो कहाँ हो रहा है री के रूप में, तो यहाँ है वृक्ष, है ना। तो यह इसका सही उत्तर हो गया आपका वृक्ष। तो बच्चों ये था आपका पाठ वर्ण विचार का अभ्यास कार्य, आप इसे ध्यान से समझें और अपनी क्लास और कॉपी में लिख लें, ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। धन्यवाद।